नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, कल एक लेटर जारी हुआ था यूपी टेट 2019 के संबंध में। वो छुट्टी के संबंध में था तो सभी लोग उसे फेक कह रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यूपी टेट 2019 की परीक्षा की जो अधिकारी विज्ञप्ति है वो PNP की तरफ से, यानी प्राधिकारी, नियामक प्राधिकारी की तरफ से जारी हो गई है। और दोस्तों, एक सूचना एडमिट कार्ड के संबंध में आप लोगों को देना चाहूँगा, तो चलिए पहले विज्ञप्ति को देख लेते हैं। दोस्तों, ये पूरी तरीके से अधिकारी विज्ञप्ति आ गई है 8 तारीख बुधवार को, जो है 10 बजे से 12:30 बजे तक प्राथमिक स्तर की परीक्षा होगी और उच्च प्राथमिक स्तर की 2:30 से 5 बजे तक। जैसा पूरा शेड्यूल था बिल्कुल वैसा ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा 22 को जो परीक्षा थी उसको 8 तारीख कर दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया कि 8 तारीख को परीक्षा होगी, हालांकि स्पष्ट कल ही हो गया था। अब दोस्तों, एक सूचना देना चाहूँगा जो एडमिट कार्ड के संबंध में है। तो यहाँ पे दूसरा नंबर पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थी पूर्व निर्गत ऑनलाइन प्रवेश पत्र से दिनांक 8/1/2020 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी जो अभ्यर्थी पहले एडमिट कार्ड निकाल चुके थे उन्हें एडमिट कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें स्पष्ट कर दिया कि उन्हें नवीन प्रश्न पत्र, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो लोग अभ्यर्थी एडमिट कार्ड निकाल चुके हैं वो ना निकालें, उनका जो 22 तारीख वाला एडमिट कार्ड है वो मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लोग इस पे भी कह रहे हैं कि नवीन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन जो लोग डाउनलोड कर चुके हैं 22/12/2019 वाला, वो मान्य होगा। सेंटर में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, यानी कि सेंटर वही रहेंगे जो सेंटर पहले थे। अतः ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व परीक्षा तिथि 22/12/2019 का ऑनलाइन प्रवेश पत्र पूर्व में डाउनलोड किया जा चुका है, उन्हें नवीन प्रश्न प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि जो एडमिट कार्ड पुराने वाले हैं वो इस परीक्षा के लिए मान्य हो जाएंगे, जो सेंटर पुराने थे वही रहेंगे। जिन लोगों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया था वो प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ स्पष्ट यहाँ ये भी कही गई है कि 1 जनवरी 2020 यानी कि 1 जनवरी को दोपहर के बाद का समय जो होता है अपराह्न, दोपहर के बाद अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं किया था, ठीक है। और आधिकारिक वेबसाइट भी यहाँ पे दे दी है। दोस्तों, अब परीक्षा 8 तारीख को बिल्कुल तय है, आप लोग तैयारी जारी रखिए, बने रहिए हमारे साथ। जल्द ही मिलेंगे एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।